हम आगे है स्मार्ट घर से आई हूँ बाहर। मैं अग्निकुंड के मॉल भी आज तिरंगा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट प्रोग्राम है, किसी ने तोड़ भी रखा है मतदान करने से नच का ना लुक मेरा कुछ मेरे गाउन भी दिख रहे थे। प्यारे दर्शकों अभी हो रही है रात और मैं देख रही हूँ बिग बॉस OTT, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कौन जीतता है। तो नविया भी अब तक सोई नहीं है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि विनर कौन है। ये रिजल्ट आ गया है और विनर है एल्विश यादव। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूट्यूब कम्युनिटी से इतने बड़े प्लेटफॉर्म में किसी को जाने का मौका मिला है और वो जीत के भी आ गए हैं। तो जितने भी हम जैसे न्यू यूट्यूबर है उनके लिए इंस्पिरेशन है और उनकी फैमिली जो यूट्यूबर्स को नहीं सपोर्ट करती है तो शायद उनको भी पता चल जाए कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको सक्सेस मिल सकती है। गुड मॉर्निंग इंडिया, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पूनम करम्याल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिखे वे वो ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मनाया जा रहा है 77th इंडिपेंडेंस डे। सुबह सुबह ना बच्चों की निकल रही प्रभात फेरी, तो मैं पड़ोस के छत में जाती हूँ और वहाँ से आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैंने अब नविया को कर दिया तैयार, प्यारी सी फॉगी पहना दी है। नविया यहाँ देखो, हेलो गाइस कह दो। मुन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, जय हिंद। क्यूटी सी बेबी ने पहना है क्यूटी सा फ्रॉक और थोड़ा सा मेकअप। तो हबी जी भी अब आ चुके हैं घर ऑफिस से। आप दादी के साथ रहना ओके, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में, आपके लिए जूस लाऊंगी जूस ओके। तो अब मैं हो गई हूँ तैयार, आपको अपने साथ ले जा रही हूँ बाहर कुछ खास दिखाने के लिए। तो मैंने ना दाल भी चढ़ा चुका है, चावल मैं आके बनाऊंगी। सनग्लासेस मुझे पहनना पड़ रहा है क्योंकि आंखों में ना अभी भी रेडनेस है और आज का ना लुक मेरा कुछ ऐसा है। तो अब मैं आ गई हूँ नुमाइश फील्ड और यहाँ ना मुझे स्कूल के बच्चे भी दिख रहे हैं, गर्ल्स। यहाँ ना कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, तो हम भी चलते हैं सीधे वहीं। स्कूल के बच्चे, हेलो बच्चों, तुम्हारे भी प्रोग्राम है? अच्छा हो गए प्रोग्राम। तो देखिए दर्शकों के लिए ना यहाँ चेयर भी लगाई गई है और पूरी चेयर हो रखी है फुल, और चेयर फुल होने के बाद पीछे भी देखिए वहाँ भी लोग देख रहे खड़े होके, और स्टेज पे देखिए चल रहा है होली गायन जेंट्स द्वारा। तो बैठने की तो कहीं जगह है नहीं, तो हम भी ना खड़े होके प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। यहाँ भी ना स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं अपने परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। ममता मैम कौन है यार इतनी क्यूटी सी, और दर्शकों की ओर से तुम लोग को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, आगे बढ़ाओ भाभी को। हाई करो, कब आई देखने? आ गई थी, अब जाने का भी हो गया टाइम। हाँ, ये सो रही है ना। ओहो अब तो नींद आ रही है छोटू छोटू को। तो व्हाइट साड़ी में हमारी DM मैम, और जो बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया था उनको दे रहे हैं प्राइस। हमारी फील्ड पे हर साल ना इसी मंच पे प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त पे, और बहुत सारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों के साथ टीचर भी आते हैं। तो हमारी फील्ड की ना बाउंड्री पे आ गई हूँ और यहाँ से ना आप लोगों का बहुत प्यारा व्यू दिखा देती हूँ बागेश्वर का। तो ये है बागनाथ मंदिर, और ये रहा पुल बागनाथ मंदिर जाने के लिए शॉर्ट, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है आई लव बागेश्वर। तो ये वही ऐतिहासिक नुमाइश फील्ड है जहाँ हर साल ना उत्तरायणी का मेला लगता है। नुमाइश फील्ड में जितने भी बच्चे आए हैं और जो भी दर्शक आए उन सबके लिए देखिए पानी के भी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। ये रहे NCC कैडेट्स। बच्चे कौन से स्कूल के हो तुम लोग? जैसी बागेश्वर के। प्ले कर रखा है? हाँ। क्या प्ले किया तुमने? तो बहुत अच्छी फौज की यूनिफॉर्म पहन रखी है। डांस करा था। डांस किया था? ओ गुड। कौन से गाने पे किया था? मिक्सअप थे सारे गाने। अच्छा मिक्सअप थे। जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं ना हमारे DMM का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो प्रोग्राम ना अब सब यहाँ हो गए हैं, सारे कल्चरल इवेंट्स और जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने थे सब हो गए। तो देखिए पीछे ना सब चेयर सीट खाली हो गई है। भैया कहाँ से लाए थे इन टेबलों को, कहाँ रखोगे अब? यहाँ ना बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया है मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान, ताकि कोई भी ना मतदान करने से ना छूटे। तो उसने सब में इसमें साइन कराया जा रहा है ताकि सब इंस्पायर हो कि 100% वोटिंग हो। हाँ बोलो, हाय गाइस क्या कहना चाह रहे हो? हेलो मैम, नमस्कार। कुछ कह रहे थे तुम, कुछ अच्छे अच्छे टिप्पणियां करना चाह रहे थे, बोलो। कोई नहीं बोलेगा,
ये बोल रहा था मुर्गी का मीट लाऊंगा है, क्या कह रहा था? बकरी का मीट लाऊंगा। बकरी का मीट लाएगा? ओ गॉड, स्वतंत्रता दिवस से तो बकरी का मीट खाओगे क्या? तो अब मैं भी घर को जाने लग गई हूँ, मुझे ज्वाइन कर लिया है ज्योति, ये है हमारी पड़ोसी, तो फटाफट घर को चलते हैं मम्मी। तो मुझे आने में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम ना देर में स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, इस बार ना बहुत जल्दी प्रोग्राम स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने सोचा फटाफट खाना बनाती फिर चलेंगे। हमारा ना लंच हो गया है, अब हम सब फ्री है, तो हम सोच रहे कि अब हम मूवी देख ले। तो हम देखने वाले हैं OMG 2, क्योंकि ना इस वीक दो मूवी रिलीज हुई है ना, गदर 2 और OMG 2। तो हमारे बहुत बार बोलने के बाद आज सरू भाभी जी हमारे लिए लाए हैं, तो फिर हम मूवी देखना स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि OMG। तो अब हो गया 4:30 और मैं ना तन्नू के साथ जा रही हूँ कहीं बाहर, आपको अपने साथ लेके, और मूवी मैंने देख ली, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे ना उस पर बात की गई है, तो मुझे ओवरऑल अच्छी लगी। तो अब ना मुझे ज्वाइन कर लिया है तन्नू ने, और एक और है, ये है तन्नू का छोटा भाई, और ये मेरा सब्सक्राइबर भी है, और ये मेरा बहुत प्यारा सब्सक्राइबर भी है। तो ना इसके कॉलेज में चल रहे हैं एग्जाम, यहाँ डिग्री कॉलेज में, तो ये हम वही पता करने गए थे जब हमने कॉलेज का ब्लॉग बनाया था, तो हमने ना जोम्बी जैसे, ताकि हमारे जोम्बी जैसे आंख आपको ना दिखे, तब हम दोनों ने पहन रखे सनग्लासेस। ये मेरी कभी तो ये मेरी फ्रेंड है, इसको जलन के मारे इसको भी हो गया। तो हम ना मार्केट से ना होके हम जा रहे हैं विकास भवन के रास्ते, जो हमको पड़ता है शॉर्ट। तो यहाँ पे चलते चलते हमको दिखे बतख, देखो कितने बड़े जोर जोर से आवाजें कर रहे हैं, ऑरेंज कलर की इनकी चोंच। प्यारे दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं विकास भवन, और यहाँ ना बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई गई है, गांव का एक नजारा दिखाया गया है, जिसमें एक अंकल ना हल ठीक करते हुए दिखाए गए हैं। साइड भी देखिए, ये यंत्र लग रहे हैं मुझे बजाने वाले। यहाँ देखो चाय, ये रही चाय पीने वाली केतली, जो किसी ने तोड़ भी रखा है सच्ची में चाय समझ के। बोल बोल प्यारे। अच्छा मैं आज हम जा रहे हैं अग्निकुंड के पुल के रास्ते तहसील को, तहसील को मतलब हमने अपने घर से 1 किलोमीटर चल गए होंगे अब तक। और ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये अग्निकुंड पुल है, और अभी हम जा रहे हैं, जाके बताते हैं। तो इस पुल का रिकॉर्ड है, यहाँ हमेशा गाय भैंस या फिर बंदर दिखते हैं, क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है तभी तो। चल चलते चलते हमें देखो केले का पेड़ मिला, इसमें 2-3 दर्जन तो होंगे, केले उठा ले चले। पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे, देखो आज हम जा रहे हैं इस मॉल पे तन्नू के काम से। दिख रही अपने लिए कुर्ती, अब देखते हैं उसको कौन सी पसंद आती है। अच्छा अच्छा, आज मोहित करा रहा है तन्नू का भाई शॉपिंग, ठीक नहीं लग रहा। तो यह हमें गाउन भी दिख रहे हैं, देखिए मॉल भी आज तिरंगा पैटर्न में सजा, देखो ऑरेंज व्हाइट ग्रीन कलर के कपड़े रखे हैं। तो मॉल से निकल गए हम लोग बाहर, फिलहाल तो तन्नू को कुछ पसंद नहीं आया है, हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, बागेश्वर के तहसील रोड से होते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जितने भी बागेश्वर में जितने भी घूमने की जगह है ना, काफली ग्लेशियर, और देखिए बागेश्वर टू ग्लेशियर डिस्टेंस, सबके बारे में बता रखा है इधर। और एक पेंटिंग में तो देखिए हमारी कुमाऊनी संस्कृति चौड़ाचार्य की झलक दिख रही है, एक पेंटिंग ये भी है, देखो पहाड़ी पोशाक दरवाजे पे खड़े हैं, अपने मियाँ जी का इंतजार कर रहे क्या। अब हम आगे हैं स्मार्ट पॉइंट के अंदर, और यहाँ से भी ना कुछ लेना है तन्नू मैडम को, और मैं भी ले सकती हूँ। मस्त मस्त है, आलू प्याज और सेब का इधर। तो निकल गए हम लोग स्पॉट पॉइंट से बाहर, और वहां से ना कुछ सामान लिया है, और तन्नू ने वहां से ली है नमकीन भुजिया। तो अब हम पहुंच चुके हैं गोमती पुल, तो ना हम बागेश्वर पूरा गोल घूम चुके हैं देखिए। तो अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और यहाँ हम खा रहे हैं गोलगप्पे टेस्टी टेस्टी। तो अब हम ना जाने लग गए घर को, और हम है बागनाथ वाली गली में। तो आज ट्यूजडे है, और देखो यहाँ चल रहा है सुंदरकांड लेडीज द्वारा। गाइस अब मैं पहुंच गई हूँ घर, आ गई मम्मी, सीढ़ियाँ चल रही, बच्चों ने देख लिया, आ गई मम्मी, ये देखो मेरे छोटे मोटे चिल्लर, ये कितने खुश हो गए मम्मी को देख के, चिज्जी को देख के, ये हबी जी। तो अब हो गई है रात, और मैं ना घर से आई हूँ बाहर। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये है नगर पालिका की बिल्डिंग, और 15 अगस्त के अवसर पे ना इसको देखो पूरी लाइटिंग से अच्छे से सजाई हुई है। तो इस बिल्डिंग को भी सजाया गया है, ये है स्वराज भवन हमारे घर के पास।